मौजूद सरपरस्त हजरत, आज हम जमात तीसरी का 18वां सबक आठौड़ी बाजार ये सीखने जा रहे हैं। बच्चों को बाजार से मुतालिक मालूमात देना, बाजार में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, सब्जी और उन सब्जियों का नाम मराठी में क्या है, इस सबक में ये बताया गया है। अगर हम इस सबक को गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह बाजार में जो सब्जियां मिलती हैं और जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं उन चीजों का नाम मराठी में बच्चे आसानी से कहने लगेंगे। फिर उन अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करना, जैसा हमने इससे पहले सबक में सीखा कि किस तरह तस्वीर देखकर शब्द कहना और फिर उन शब्द से छोटे छोटे वाक्य बनाना, इस सबक में वैसा ही बताया गया है। आइए शुरू करते हैं 18वां सबक आठौड़ी बाजार।